नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज के संक में हम बात करेंगे कि गिलोय का काढ़ा कैसे बनाते हैं और किस किस यूज में आएगा वो, और उसको कैसे बनाएंगे, उसमें क्या क्या सामग्री आपको डालना है। तो सबसे पहले मित्रों, एक बर्तन लेंगे। बर्तन एल्युमिनियम का ना हो, ये विशेष ध्यान रखिएगा। आप पीतल का ले सकते हैं, स्टील का ले सकते हैं, लोहे का ले सकते हैं, लेकिन एल्युमिनियम का नहीं लेना है, उससे उसकी गुणवत्ता कम हो जाती है मित्रों। तो ये मैंने एक लिया हुआ है बर्तन, और इसमें फिर हम ये कप एक ले लिए हैं, और इसको नाप के हम इसमें डालेंगे 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। मैंने इसमें 6 कप पानी डाला हुआ है। अभी मित्रों, ये 3 कप इसको तैयार करना है, मतलब आधा, 3 लोगों के लिए होगा ये। अब आपको हम बताते हैं कि आगे इसमें क्या क्या डालना है। अब सबसे पहले मैंने जो सामग्री ली है उसका नाम है गिलोय। आप लोग देख सकते हैं, ये मैंने गिलोय ली हुई है। एक व्यक्ति के लिए, मनुष्य के एक हाथ का जो एक बित्ता होता है, ऐसे जो ऐसे नापते हैं 1, 2 ऐसे नापते, एक बित्ता, ये इतना बड़ा साइज एक व्यक्ति के लिए चाहिए। गिलोय आपको दिखा देते हैं, ये जितने लोगों के लिए बनाना हो उतने हाथ के ऐसे बीते से नाप लेते हैं। एक व्यक्ति के लिए 1 बीते की चाहिए लंबी। इसको मैंने टुकड़े टुकड़े किया हुआ है। अब इसको थोड़ा सा कूट लेंगे, क्योंकि अभी ये हार्ड हो जाती है, तो इसको थोड़ा सा कूट लेंगे ताकि ये अच्छे से उबाल में आए। आप देख सकते हैं, मैंने इसको थोड़ा सा कूट दिया है, आप देख रहे हैं, ये ऐसा सबको वैसे ही थोड़ा सा कूटने से मित्रों ये होता है, ये उबाल में इसके इंटरनल वैल्यू जो है वो अच्छे से निकल जाती है। तो ये मैंने इसको इसमें डाल दिया। उसके बाद दूसरा इसमें डाल देंगे तुलसी पत्ती। आपके पास तुलसी पत्ती हो उपलब्ध तो डाल दीजिएगा, और अगर नहीं है, पुदीना पत्ती उपलब्ध है, तो वो आप डाल सकते हैं, लेकिन बुखार के लिए बनाना है तो उसमें तुलसी पत्ती डालना ज़रूरी है, और वो भी अगर श्यामा तुलसी मिल जाए तो अति उत्तम। एक व्यक्ति के लिए 5 से 7 पत्तियाँ आपको तुलसी की डालनी। उसके बाद दूसरा जो रहेगा सामग्री, अजवाइन, ये थोड़ा सा इसमें हम अजवाइन डाल देंगे। अजवाइन के बाद इसमें डालना है थोड़ा सा हल्दी, ज़रा सा, ये इतना हल्दी डाल दिए। हल्दी के बाद इसमें ये आप देख सकते हैं काली मिर्च है। काली मिर्च के इसमें 4 से 6 दाने तोड़ के डाल देंगे। ये काली मिर्च मैंने डाल दी, और लास्ट में थोड़ा सा ये गुड़ की डली एक डाल देते हैं, क्योंकि अगर नीम पे, नीम वाली गिलोय आप इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ा सा कड़वा ज़्यादा हो जाता है। वह गिलोय वैसे भी थोड़ी सी कड़वी होती है, तो उसके लिए थोड़ा सा गुड़ डाल देते हैं, क्योंकि गुड़ में भी आयरन होता है और प्राकृतिक मीठा बहुत अच्छा होता है, तो इसमें थोड़ा सा ये डाल देते हैं गुड़। अब ये सारी सामग्रियाँ इसमें पड़ चुकी हैं दोस्तों। सबसे बड़ी बात कि यदि आप बुखार के लिए इस्तेमाल करते हैं तो सिर्फ आपको 2 काली मिर्च, 5 तुलसी पत्ते और 1 बीता लंबी गिलोय, बस इतना आपको डालना है। ये बुखार के लिए सुबह, दोपहर, शाम 3 बार पीजिए, 2 बार पीजिए, बाकी सारे लोग इसको पी सकते हैं। यदि आपके पास कोई दिव्य पेय, जैसे पतंजलि का आता है दिव्य पेय, उस तरह का कोई अगर आपके पास चाय है तो उसको आप इसमें डाल सकते हैं। ये सारी सामग्री पड़ चुकी है मित्रों। अभी 6 कप पानी डाला हुआ था, अभी ये जल के जब 3 कप बचे 3 लोगों के लिए,
तब इसको निकालना है, फिर उसके बाद सुबह शाम आपको यह प्रक्रिया करनी है। ये बहुत ही ज़बरदस्त काढ़ा है, ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता मतलब आपकी बढ़ेगी, और ये बहुत ही ज़बरदस्त है इस महामारी के लिए। तो विशेषतया पूरे घर में जो लोग स्वस्थ हैं, जो लोग अस्वस्थ हैं, उनको भी आप जरूर दीजिए दो बार तो कम से कम। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम जरूर बताइएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।